सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमको बहुत बेसब्री से इंतजार था। हम लोग दो चार या तीन चार टोटल चार लोग मिल करके एक फ्लैट लिए और इसमें रहने वाले हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारा फ्लैट कैसा है और क्यों है, क्या है। सबसे पहले मिली ये सोनू, जो अभी टाइम क्या हुआ है, लगभग नौ बज रहे हैं। 9 बजे ये मतलब बंदा जग रहा है और ब्रश कर रहा है अभी। रात में पढ़ रहे थे भाई। अच्छा, रात में पढ़ रहे थे। कई बजे स्टार्ट किए थे? 12 बजे। 12 बजे स्टार्ट किए थे पढ़ना। और ये कुंदन जो नौटंकी का बाप बन रहे तो ये अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं हम आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी फिलहाल हम आपको दिखाएं कि हमारे पास इस फ्लैट में 2 रूम हैं। एक ये हॉल है और एक ये रूम है। शिफ्ट नहीं हुआ है अभी, शिफ्ट नहीं हुआ है अभी। अगर मतलब आप लोग को देखने को उतना अच्छा सा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि फिलहाल अभी एक दो रोज ही आए हुए इस रूम में। और इसमें हम लोग सामान ला करके मतलब सिर्फ रखे हुए हैं। और इसमें बहुत सारे कचरे भी दिखने को मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट रेंटर हैं हम लोग। अब फर्स्ट रेंटर का मतलब समझ ही रहे हैं जो अभी कुछ सफाई वफाई नहीं हुआ है, तो अभी साफ सुथरा करेंगे लोग। फिलहाल थोड़े देर के लिए हम लोग इसमें एक दो रोज से रख रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग साफ सफाई कर लिए थे थोड़ा सा, ताकि हम लोग इसमें सो सके, रह सके। तो हम लोग का ये रूम अभी फिलहाल हम लोग इसमें पानी मारेंगे और पानी मारने के बाद इसको साफ करेंगे। अभी फिलहाल आपको हम एक किचन भी दिखाते हैं। अब किचन में लाइटिंग की कमी हो रही है तो हम लाइटिंग दिखाते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लाइटिंग हम लोगों ने लगा रखा है। तो अभी फिलहाल कोई चीज का मतलब ये नहीं हो रखा है। अभी कोई सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है। आज सबको अस्थिर करेंगे लोग, कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। सब किचन में ऐसे ही पड़ा हुआ है, किचन में ऐसे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक सेल लगाए हुए हम लोग कंटिन्यू। फिलहाल हम लोगों ने ऑर्डर कर रखा है सूर्य स्टैंड, लेकिन जब तक नहीं आता है, आज आ ही जाएगा, आज डिलीवर हो जाएगा, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे सूर्य स्टैंड की जगह पे मार्केट खोल रखे हैं। आप लोगों को हम पीछे का एक व्यू दिखाते हैं। हम लोग के पीछे में अपार्टमेंट बन रहा है, बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट है हमारे जहाँ तक जानने से। बहुत ही खूबसूरत वेट, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो ये अपार्टमेंट बन रहा है और इसमें रेंट बुकिंग होना शुरू हो गया हुआ है। अभी पेंटिंग बाकी है, वॉल पुट्टी हो रहा है। तो अभी पेंटिंग अभी हुआ नहीं है, लेकिन होगा तुरंत ही क्योंकि काम बहुत तेजी से चल रहा है, काम हो रहा है और इसमें बुकिंग भी चालू है। तो चलिए फिर से हम लोग जो कर रहे हैं उसको दिखाते हैं। तो कुंदन का कर रहे थे? तो कुंदन अभी झाड़ू लगा रहा है रूम में। इतना कचरा हो रखा ना रूम, इतना कचरा एक रोज में इतना हो रहा है। कल मतलब ना पूरे दोस्त लोग आए हुए थे और पूरे दोस्त ने कचरा कचरा करके रखे हुए रूम को। कौन कौन आया था? राजा था और कौन था? राजा, राजीव, शैलेश और कौन था? सन्नी हाँ, हमारे साढ़ू भाई भी आए थे, सन्नी भाई। अब वो भी आए थे, वो भी मतलब कुछ देर के लिए बैठे, फिर गए हम लोग मैच खेलने। मैच खेले लोग 6 ओवर का था हम लोग का शायद मैच। उन लोगों ने मतलब 41 रन बनाया था 6 ओवर में और हम लोगों ने अभी एक ही ओवर खेला था लास्ट बॉल पे। इस बच्चे ने गेंद को हवा में उड़ाया और ऐसी जगह पे पटका कि दोबारा मिला नहीं, नहीं। तो फिर खेले कैसे, जीते कैसे? ये जो हाथ में दिख रहा है पीला कलर का, वो हम लोग का नहीं है, ये ऊपर वाले रूम रेंटर का चुरा करके लाया है और उसमें कचरा फेंक रहा है। कितना गलत बात है।
आर्यन हम लोग के भी मतलब रूम में अभी काम चल रहा है, रूम में नहीं अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में काम चल रहा है छोटा मोटा। हम लोग का भी ये अपार्टमेंट ही है, यहाँ पे छोटे बच्चे सब काम करने आए हुए हैं। इन लोगों से हम क्या बात करें, इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, छोटे बच्चे हैं। सोनू पानी लगाओ ना उसमें, नहीं नहीं थोड़ा सा पानी मार दो तब तक के। कहाँ रख ले भाई कारपेट, पैर वा थोड़ा सा वाटर पार्क चलेगा। अरे सुनो ना, ये सब जितना भी है ना मतलब ये खाने वाला सबको या तो यहाँ से इन्वेस्टिगेट करो, नहीं तो बंद करो इसको, ढक्कन खुला हुआ छोड़ के मतलब गलत है। पूरा इस तरह से बिस्तर पड़ा हुआ कोई कहीं के भी अभी फिलहाल कुछ भी सही सलामत नहीं है। यहाँ पे वायर लटका हुआ है, अभी तक हम लोगों ने पंखा भी नहीं लगाया है जबकि बहुत ही गर्मी है। वही मार्च का महीना का मतलब ही है जो गर्मी है, मार्च से मार्च क्या फरवरी से भी स्टार्ट हो जाता है, फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है गर्मी, और मार्च के तो सेकेंड वीक भी स्टार्ट हो गए हैं, तो गर्मी तो बढ़ेगी ही और धीरे धीरे और तेज से गर्मी बढ़ेगी, तो हमें पंखा की ज़रूरत पड़ेगी, पर नहीं पड़ेगी क्या मतलब ज़रूरत है ही, लेकिन अभी नहीं लगाए हैं, लगाएंगे लोग होली के बाद। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारा प्यार, होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम लोगों ने कल खेला था होली, लेकिन उसका वीडियोस बना नहीं पाया क्योंकि कॉलेज पीरियड में जब ओवर हुआ क्लास तब होली खेला था बच्चा लोग, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए कि हाँ आज ये वो, फिर भी मतलब होली खेले थे लोग, तो थंबनेल में तो लगाया ही था पिछले वीडियो में हम लोगों ने होली खेला है, कैसे खेला है वो आप लोगों को नहीं दिखा पाए। अगर वो वीडियो हम लोग के पास किसी बच्चे ने रिकॉर्ड किया होगा तो हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ कैसे नहीं है। तो अभी बरामदे की सफाई आर्यन के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही मासूम नहायत ही शरारत चुलबुल नौटंकी बच्चा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितने भी दोस्त हमारे देख रहे होंगे वो लोग भी जान ही रहे होंगे कि हाँ ये नौटंकी है या नहीं है, पूरी तरह से नौटंकी करता है। और एक ये मेरे महान भाई किधर गए, ये 11:55 में शुरू करते हैं पढ़ाई, 12 बजे खत्म करते हैं, आई मीन 5 बजे और सोने का टाइम बताते हैं 3 बजे सोते हैं तो 9 बजे जगते हैं 11 बजे खाना खाने का। हम लोग जब खाना बना रहे थे तो ये 12 सो रहे थे, सोने यहाँ तक के कल्ले मतलब ऐसे सो रहे थे, उठा करके यहाँ पे ला करके डायरेक्ट पटक रहे हम लोग, तभी नहीं जग रहे हैं बंदा, पानी छीट रहे लोग तब जा करके जगे हैं। ऐसे ऐसे तो नौटंकी हो गए हम लोग के रूम में, लेकिन खैर इतना है कि इन लोगों से हेल्प मिल रहा है हर चीज में, पढ़ने खाने पीने रहने सोने जगने। लेकिन रात का ये हरकत इसका है ना बहुत ही गंदा है, पैर चलाता है ऐसा लगता है जैसे जंगली, आई नहीं बोलता लोग बीवी दो लत्ती मारती है, वैसे वो दो लत्ती हमें मारता है रात में, पता नहीं क्या चीज का दुश्मनी है हमसे इसको। अब पानी मारना शुरू हो गया है, पूरे रूम में पानी मारेंगे, उसके बाद वाइपर से इसको वाइप करेंगे, उसके बाद इसको कपड़े से धिनक धिन धा करेंगे। हम लोग का कोई खास रूम तो नहीं पर अच्छा ही है भाई, हमारे कहाँ भी जावत है लाइटिंग दो ना, अभी अंदर नहीं मार लेते हैं ना, बाहर बाहर मार लेंगे, मार भाई मार 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 मार, नहीं भाई नहीं 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 ऐसा मत करो,
मारो मारो मारो, अच्छे से मारो। हम तब तक के वाइपर ला के देते हैं। वाइपर भाई कितने में दिया था वाइपर? 125। बहुत ही ज्यादा महंगा, आई मीन मतलब इसका प्राइस उतना नहीं था, लेकिन फिर भी इतना ना दिया भाई। हम भी थोड़ा नजदीक से देख लें, इसको मारते कैसे। थोड़ा पैर भी गंदा हो गया था इसी में धो लेते हैं। हम भी पैर गंदा था, हम धो लिए भाई। क्या कर रहे भाई, पानी ऐसे कौन मारता भाई। सो आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन। भाई पानी मारने बोले इधर से खींच लो ना, भाई भाई सुपर जियो आर्यन, ऐसे ही लगल रहो। इतना केस क्या करता है? इसमें केस भी आ जाएगा। अरे उस दिन ना आए तो बड़ा बड़ा केस है भाई, छोटा छोटा थोड़े है। नहीं नहीं, बड़ा बड़ा बात है, हम लोग का तो नहीं हो सकता इसमें। तो फर्स्ट रेंटर कैसे हो गए भाई, जब इतना बड़ा बड़ा बात है। लग रहा लेडीज लोग काम कर रहे हैं आईटी का इस रूम में। हमको तो लग रहा है ये बिल्डिंग बनाने से पहले लेडीज लोग मतलब इसमें काम की होंगी। हाँ चलो भाई, एक एक ईटा जोड़ जोड़ करके लेडीज लोग बनाई है। तो एक रूम तो मतलब क्लियर हो ही गया लगभग लगभग, बचा है एक रूम। तो एक रूम दूसरा क्या दिखाएं, ठीक इसी प्रकार से वो भी रूम की सफाइयाँ होगी। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा उसको साफ करना होगा, क्योंकि उसमें ज़रा सा भी मतलब कुछ नहीं किया है लोग, उसमें पेंट वेंट गिरा हुआ है रूम में, तो उसको भी साफ करना और चीज़ भी है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो खैर फिलहाल अभी तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से हम अपने रूम को अच्छे से दिखा दें। यहाँ ये हल्का सा पैसेज है, और ये मेरा बाथरूम है, और ये मेरा हॉल है, बरामदा जिसको बोलते हैं, और ये मेरा खेत को वाश करने के लिए बना है, और ये मेरा पॉन्ड्स है जिससे हम कभी कभी पॉन्ड्स से मूड होते हैं, और ये मेरा किचन है, और बड़ा वाला सिलेंडर आ रखा है लेकिन लगाया नहीं, छोटे वाले सिलेंडर पे एक दो इसलिए काम कर रहा है। ये मेरा किचन है, और ये जिसमें फिलहाल हम रह रहे हैं, लेकिन इसमें हम रहने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे इस रूम में, क्योंकि इसमें पीछे से भी गेट है, हम जब चाहें तब आहर बाहर कर सकते हैं। तो हमें ये रूम पसंद है, लेकिन भाई यहाँ मच्छरों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, कसम से मतलब इतना मच्छर होगा हमने सोचा नहीं था, बहुत ही मच्छर लगते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। तो सो फाइनली बाय बाय, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल। टिटका वन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है।